Hello guys, today we will discuss about the poem The Tiger, which is written by William Blake. William Blake जो हैं वो 1757 से 1827 तक के पोइट हैं, पेंटर भी थे एंड वो जो थे सेलर ऑफ प्रिंट्स भी करते थे. और जो उनका ये जो वर्क है द टाइगर, ये वर्ल्ड के बेस्ट 10 पॉइंट्स का इंक्लूडेड ये वर्क है और ये एक लिरिकल पोएम भी है. और ये सॉन्ग नंबर 42 है द टाइगर, विच इज़ एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पोएम सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस. तो आइए गाइस, चलिए आज हम इसे डिस्कस करते हैं. इससे पहले मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं कि एक जो ये टाइगर है उस टाइम पे टाइगर को अच्छा नहीं समझा जाता था. इट वाजंट टेकन एज कि हाँ ये अच्छा एक प्राणी है, एक एनिमल है. तो उसके बारे में पोएट के क्या क्वेश्चंस हैं गॉड से, वो आज हम इस बारे में डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night. अब टाइगर की जो ये पिक्चर आपको दिख रही है ना, इसमें क्या होता है, जो वो उसकी धारियां हैं, ये जो हैं धारियां, वो धारियां जब रात में वो मतलब जंगलों में घूमता है ना टाइगर, तो वो ऐसा लगता है, इट सीम्स के वहाँ पे जंगलों में आग लग चुकी है, क्योंकि उसकी जो शाइन है वो शाइन इतनी ब्राइट है कि ऐसा लगता है कि जैसे जंगल में किसी ने आग लगा दी है जब वो घूमता है. अब नेक्स्ट है, व्हाट इमोर्टल हैंड और आई कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. इमोर्टल क्या होता है, इमोर्टल अनेबल टू डाई होता है, और अनेबल टू डाई इज़ ओनली वन पर्सन, दैट इज़ गॉड. कि जो गॉड है उसके इमोर्टल हैंड और आई जो हैं, कि उन गॉड ने ऐसे क्या अपने दिमाग में सोचा होगा कि वो ऐसा कुड फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री. दाई इट्स फॉर टाइगर एंड फियरफुल सिमेट्री यानी कि एक भयानक सी सिमेट्री स्ट्रक्चर क्रिएशन उसके दिमाग में कैसे आई होगी कि वो उसने ऐसा एक भयानक सा एक स्ट्रक्चर क्रिएशन जो है फ्रेम कर दिया वो इमोर्टल हैंड ने और आई ने. इन व्हाट डिस्टेंट डीप्स और स्काइज बर्नड द फायर ऑफ थाइन आईज. कि ऐसी कौन सी डीप्स में और स्काइज में, डीप्स यानी कि हेल और स्काइज यानी कि हेवन, या फिर आप ऐसा कह सकते हो डीप्स यानी कि ऐसी कौन सी गहराइयों में और स्काइज यानी ऐसी कौन सी ऊंचाइयों में गॉड जो होगा वो गया होगा कि उसे ऐसी फायर, बर्नड फायर मिल सके जो उसकी आईज में वो डाल सके, किसकी, द टाइगर की, ताकि उसकी शाइन को जो है बढ़ाया जा सके. और उसके बाद वो कहता है ऑन व्हाट विंग्स डेयर ही एस्पायर. कि ऐसे उसे कौन से वो पंख लगाकर जो गॉड है वो फायर लेने गया होगा. एंड वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर. और ऐसे उसमें कौन सी हिम्मत आ चुकी थी कि वो इस तरह की मतलब इतनी बर्नड फायर को अपने हाथों पे हैंडल करके लेके वापस वहाँ आया होगा जहाँ पे उसने वो टाइगर को मतलब क्रिएट कर रहा होगा और उसमें वो फायर जो है वो इंक्लूड कर रहा होगा. एंड व्हाट शोल्डर एंड व्हाट आर्ट कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट. और ऐसे कौन से डेयरिंग कंधे होंगे और कौन सी ऐसी आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप होगी गॉड के पास कि वो कुड ट्विस्ट द सिन्यूज ऑफ दाई हार्ट. कि जिसने ऐसा सिन्यूज होता है जो मतलब जो टिश्यूज होते हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, और यहाँ पे किसके मांसपेशियों की बात हो रही है, दाए इज़ फॉर टाइगर, और यहाँ पे टाइगर के हार्ट की बात हो रही है. कि
ऐसे कौन से डेयरिंग शोल्डर और डेयरिंग आर्ट ऑफ क्राफ्टमैनशिप आ गई होगी गॉड में कि उसने एक ऐसे प्राणी के जो इतना भयानक दिखता ही था उसमें दिल डाल दिया हो, ठीक है। एंड व्हेन thy हार्ट began टू बीट what ड्रेड हैंड एंड what ड्रेड फीट, और व्हेन thy हार्ट began टू बीट, thy इज also here फॉर द टाइगर, कि जब वो टाइगर का हार्ट बीट करना स्टार्ट किया होगा, जब उसके दिल की धड़कन ने चलनी शुरू हुई होंगी, व्हाट ड्रेड हैंड एंड व्हाट ड्रेड फीट, ऐसे कौन से डेयरिंग हैंड्स होंगे जो फिर उसको कंट्रोल कर सके, उसको जकड़ कर रख सके, एंड व्हाट ड्रेड फीट, किन पैरों में इतनी ताकत होगी कि वो उसके सामने टिक पाएँ और खड़े रहकर उसका सामना कर पाएँ और उसे शेप दे सके आगे। नेक्स्ट वी हैव कि व्हाट द हैमर एंड व्हाट द चेन, हेयर नाउ द पोइट इज जस्ट कंपेयरिंग इट विद ब्लैक स्मिथ, एक लोहार जो लोहे का काम करता है, कि व्हाट द हैमर व्हाट द चेन इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, कि ऐसा कौन सा हथौड़े का उसने इस्तेमाल किया होगा, हैमर का इस्तेमाल किया होगा, एंड व्हाट द चेन ही हैज़ यूज्ड, इन व्हाट फर्नेस वाज द ब्रेन, और इसके यूज़ के साथ साथ उसने ऐसी कौन सी भट्टी ढूंढी होगी, फर्नेस होती है भट्टी, जिसमें उसने इसका दिमाग रखा होगा, क्योंकि ये दिमाग जो है इसका बहुत ही ज़्यादा गर्म, क्योंकि ये एक बहुत ही डरावना किस्म का एनिमल है, तो इसने कौन से ऐसे भट्टी में उसका दिमाग रखा होगा। व्हाट द एनविल, एनविल जो होता है वो एक तरह का औजार होता है, कि उसने ऐसे कौन से एनविल में इसके बॉडी को रख के, व्हाट ड्रेड ग्रास्प डेयर इट्स डेडली टेरर्स क्लास्प, कि इसके मतलब पंजे को अपने हाथों में जकड़ कर रखा होगा ताकि वो शेप दे सके और उसे टाइगर को जो है इतना करीज किसमें होगा जो उसे ग्रैस्प कर सके, ग्रैप कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, अब जब टाइगर का हार्ट बिगन टू बीट हो गया होगा, वो धड़कने उसके दिल की शुरू हो चुकी होंगी, यानी कि वो जिंदा हो चुका होगा, तो तब क्या हुआ होगा कि स्टार्स, व्हेन द स्टार्स थ्रू डाउन देयर स्पीयर्स, उन्होंने अपने हथियार फेंक दिए होंगे, एंड वॉटेड हेवन विद देयर टीयर्स, और अपने आंसुओं से पूरा हेवन भिगा दिया होगा, यानी कि पूरा जो हेवन है वो क्या हो गया होगा, वो पूरा हेवन उदास हो चुका होगा। Did he smile his work to see? He is here for God. और वो poet जो है वो wonder करता है, question करता है कि क्या जो God है वो हंसा होगा या खुश हुआ होगा his work to see, अपने काम को देखकर कि मैंने एक ऐसा creation बनाया, एक ऐसी मतलब प्राणी को जो है, एक animal को जो है इतना डरावना बनाया है। Did he who मेड द लैम्प मेक दी, क्या वो वही गॉड हो सकता है जिसने एक तरफ एक इतना भयानक टाइगर बना दिया और दूसरी तरफ वही उसका लैम्प का भी क्रिएटर हो सकता है। लैम्प जो होता है वो एक बहुत ही पीसफुल और जेंटल सा एनिमल होता है, तो ऐसा मतलब सोच के ही लगता है कि बिलीव करना बहुत मुश्किल है कि गॉड एक टेरिबल क्रिएचर एज अ टाइगर भी बना सकता है जिसने एक जेंटल क्रिएचर एक लैम को बनाया हो। एज यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर, इन द लास्ट स्टैंजा द पोइट जो है वो दोबारा से वही लाइंस को रिपीट करता है। टाइगर टाइगर बर्निंग ब्राइट इन द फॉरेस्ट ऑफ द नाइट, व्हाट इमॉर्टल हैंड और आई डियर फ्रेम दाई फियरफुल सिमेट्री, तो इन लाइंस का भी वही मतलब है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू।